नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अजय देवगन के कैरियर की सबसे बड़ी मूवी सिंघम 3 के बारे में। दोस्तों, रोहित शेट्टी ने इस मूवी को लेकर के अब तक के जितने खुलासे किए हैं उसको सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाएगी और अजय देवगन की कैरियर की सबसे बड़ी हिट मूवी साबित होगी। और अब इसी दौरान पिंक विला रिपोर्ट की माने तो उससे भी बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ चुकी है और जब आप ये खबर सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा और आप भी ये बोलने को मजबूर हो जाएंगे कि अजय देवगन की ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस मूवी के अंदर बहुत बड़े बड़े कैमियो हैं। जहाँ इस मूवी के अंदर आपको अजय देवगन तो देखने को मिलेंगे, दीपिका भी देखने को मिलेंगी और करीना कपूर भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद कैमियो की बात करें तो अक्षय कुमार भी देखने को मिलेंगे, रणवीर सिंह भी देखने को मिलेंगे और देखा जाए विक्की कौशल भी देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम पिंक विला की रिपोर्ट माने तो बताया जा रहा है कि अब इस मूवी के अंदर होने जा रही है टाइगर श्रॉफ की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब टाइगर श्रॉफ इस मूवी के अंदर एंट्री मारने वाले हैं और यकीन मानिए अगर ऐसा होता है तो उस मूवी के अंदर हम लोगों को भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर बात करें तो इस मूवी में ऑलरेडी खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार मौजूद ही हैं और मास महाराजा अजय देवगन भी हैं। ऐसे में टाइगर श्रॉफ की भी एंट्री हो जाती है तो यकीन मानिए ये मूवी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में क्या रिकॉर्ड स्थापित करेगी ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो टाइगर श्रॉफ का रोल होगा वो बिल्कुल नए कॉप के ऊपर होने वाला है। उनकी कहानी इस मूवी के अंदर बिल्कुल अलग तरीके की होगी और जो उनकी एंट्री होगी वो भी एक्शन अवतार में होने वाली है। यानी कि अब इस मूवी के अंदर धमाके ही धमाके आपको सुनने को मिलने वाले हैं और जैसे ही सिंघम 3 से या अजय देवगन की मूवी से कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है टाइगर श्रॉफ की इस मूवी के अंदर एंट्री होने से, क्या कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? अगर मुझसे पूछेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।